मध्य प्रदेश में हो रही दो दिन से बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कई बांधों के गेट खोलकर पानी भी छोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब तक 24 इंच तक बारिश हो चुकी है। वही सामान्य बारिश का कोटा 23 इंच का है, यानी 1 इंच ज़्यादा पानी गिर गया है। वहीं भोपाल में बुधवार को 6 घंटे से 2.5 इंच बारिश हुई। भोपाल शहर के लगभग सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पानी भर गया। आपको बता दें कि कोलार डैम के 8 में से 2 गेट खोलने पड़े। इंदौर शहर में भी बारिश की वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो गए। जहां एक तालाब लबालब है, वहीं 3 तालाब लगभग भर चुके हैं। यशवंत सागर के 2 गेट खोलने पड़े। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया तो सड़कों पर कार बहती भी नजर आई। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही भारी बारिश से शिप्रा नदी भी उफान पर आ गई है। तो वहीं सुबह से ही नदी किनारे जलमग्न हो गए थे। इसके बाद दिन में आए तेज नदी का पानी बढ़ना शुरू हो गया और रातों रात नदी का पानी बड़े पुल को पार कर गया। बाढ़ की वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोगों को बेघर होना पड़ा। कई लोगों को अपने घर के ऊपरी मंजिलों पर भी देखा गया। वहीं नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से नदी किनारे खड़ी कारें भी बहने लगी। रिपोर्ट IPN।